आप लोगों को बताया। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के अतिथि हमारे स्पेशल मेहमान संजय अत्री जी से कि वो मंच पे आए और अपने विचार रखें, बच्चों को अपने अपना आशीर्वाद दें। श्री संजय अत्री। आदर और सम्मान के योग्य विद्यालय परिवार की मुखिया आदरणीय मैडम रचना अग्रवाल जी, विद्यालय परिवार के मेरे सभी अध्यापक साथियों, मैं विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक साथियों का नाम ना लेता हुआ, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लूं और गलती से किसी का नाम छूट जाए तो हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए। ये गलती मैं करना नहीं चाहता हूं। प्यारे बच्चों, विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक साथियों का मेरे ऊपर विश्वास करना और आप सभी बच्चों का मेरे ऊपर विश्वास करना, ये मेरे पास वो शब्द नहीं है। हो सकता है मैं भावुक भी हो जाऊं इस पल पर, क्योंकि एक ऐसा समय आ चुका है कि राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार लेना मेरे लिए सम्मान की बात नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए सम्मान की बात है। ये राज्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार मैंने लिया है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं सारा श्रेय अपने लिए नहीं लूंगा। एक दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि एक मोहरा में था इस विद्यालय परिवार की ओर से कि जो राज्यपाल के समक्ष गया था और आप सभी के लिए इस शिक्षक पुरस्कार को मैं लेकर आया हूं। इस शिक्षक पुरस्कार को प्राप्त करने में और इतना कॉन्फिडेंस देने में कि जिस दिन मैंने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई भी नहीं करना था, नेशनल अवार्ड की डेट भी निकल चुकी थी, 8 दिन की छुट्टियां थी, एक दो बार मैंने मैडम जी से डिस्कस भी किया था कि मैडम मैं इस पुरस्कार के लिए क्या अप्लाई कर दूं, तो मैडम जी ने मुझे आदेश दिया था कि बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जो है डिजर्विंग है। मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उस समय हमारे शिक्षा सचिव, जो शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक बहुत जिसको बोल सकते हैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आदरणीय श्री राकेश कंवर जी, अगर मैं उनकी बात करूं तो कंवर जी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू लेते समय उनका पहला वर्ड जो था वो यही था कि संजय जी, आप इस अवार्ड के लिए आज से 5 साल पहले भी अप्लाई कर सकते थे और ये अवार्ड शायद आपको आज से 5 साल पहले भी मिल सकता था। तो मैं उन्होंने कहा कि क्या आपने ये उचित नहीं समझा, तो मैंने ये कहा कि जिस दिन, ये वो समय आ चुका है कि जिस समय विद्या की देवी मां सरस्वती ने मुझे आदेश किया और मां सरस्वती के आदेश के अनुसार मैंने अब अप्लाई किया और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसलिए कि आप सभी का जो ये राज्य पुरस्कार है वो आप सभी का पुरस्कार जो है और मुझे मिला है। लगभग 20 साल मुझे इस विद्यालय में कार्य करते हो चुके हैं, 12 साल में इस विद्यालय का मैं पढ़ा हूं और मैं इस विद्यालय की धरती को बार बार नमन करता हूं, इसको बार बार प्रणाम करता हूं कि इस मां ने मुझे अपने सपने को साकार करने का मौका दिया। जीवन के 32 साल किसी क्षेत्र में काटना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मुझे इस बात का फोन आया कि आप अपनी फोटो भेज दें, मुझे लगा कि शायद मेरा अवार्ड जो है पक्का हो चुका है। काफी लेट नाइट में जो है उस अवार्ड की सूचना आई, सूचना मिलने के बाद भी मैं लगभग कंफर्म, फिर तो कंफर्म ही हो गया था कि मुझे अवार्ड जो है राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए जो है पुरस्कृत किया जाएगा।
एक डेढ़ महीने की कसरत थी। इस एक डेढ़ महीने की कसरत में मेरे विद्यालय परिवार के जो बच्चे हैं, खासकर प्लस वन के बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सभी बच्चों ने मेरा सहयोग नहीं किया, परंतु प्लस वन के बच्चों का स्पोर्ट इवेल्युएशन हुआ, यहां पर उनके टेस्टिंग हुई, उनकी वीडियोग्राफी हुई, उनका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में मुझे लगता है कि इन बच्चों ने मुझे हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर यानी कि सबसे पहले नंबर वन पर पहुंचा दिया, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट किया। तो प्लस वन के बच्चों का तो मैं धन्यवाद करूंगा ही करूंगा, क्योंकि प्लस वन के बच्चों ने जो है बहुत अच्छा टेस्ट दिया। यद्यपि मुझे ऐसा विश्वास था कि मेरे अगर प्लस टू के बच्चों का होता तो प्लस टू के बच्चे मेरे प्लस वन के बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, परंतु प्लस वन के बच्चों से थोड़ा मुझे डर था, परंतु प्लस वन के बच्चों ने उससे भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो मेरे लिए दिया। आज मेरे साथ मेरा छोटा भाई श्याम दत्तात्रेय भी है। मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे भाई ने मेरे जीवन में मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी और मेरा इतना आदर किया, मुझे इतना बोस्ट किया हमेशा, उसके लिए भी मैं अपने भाई का भी धन्यवाद करूंगा। आज मेरी धर्मपत्नी मेरे जीवन साथी भी मेरे साथ है इस मौके पर, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं इनके साथ विवाह बंधन में बंधा, क्योंकि मैं पढ़ा 2004 से रहा था, 2004 से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, परंतु जब मेरा बंधन इनके साथ हुआ, मेरा रिश्ता इनके साथ हुआ, यानी कि मेरा विवाह इनके साथ हुआ, उसके बाद ही सारी की सारी मेरिट मेरी आई है। तो इसका मतलब है कि मेरी गृहलक्ष्मी मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली है। आज मैं याद करूंगा अपनी मां को भी जो स्वर्गीय हो चुकी है, अपने पिताजी को भी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये जो मैं भावुकता जो मैंने अपना प्रेम और सब कुछ सीखा है, क्योंकि मां सबसे पहले गुरु होती है, पता नहीं किन किन परिस्थितियों से हम पढ़े हैं ये तो मेरा दिल जानता है, परंतु मेरी मां ने मुझे हमेशा बहुत अच्छे संस्कार दिए और मेरी मां ने मेरे लिए हमेशा बहुत त्याग किए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो है स्टेज फोबिया नहीं है मुझे, तो स्टेज पर आने का फोबिया नहीं है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे वक्ता थे, मैं अपने शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकता, इतने मधुर भाषी और उनके बोलने का तरीका इतना प्यारा था कि शायद मैं उनका तो 1% भी नहीं हूं। मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे वक्ता थे, उनके बोलने का तरीका जो है इतना मधुर भाषी था, उन्होंने भी शिक्षा विभाग में 6 वर्ष जो है लगभग 5 वर्ष जो है वो कार्य किया, बहुत सारे एक ऐसा विद्यालय है गरगोन प्लाशियो, यदि आदरणीय हमारे राजेश शर्मा जी को याद हो तो उस विद्यालय को चलाने में, उस विद्यालय को अगर उन्होंने उनकी नींव भी रखी थी, उस विद्यालय को चलाने में यदि सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी व्यक्ति का है जो वहां के लोग बोलते हैं उनके पढ़ाए हुए बड़े बड़े अफसर हैं, तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री ओमदत्त शर्मा जी का उसमें जो है सबसे ज्यादा सहयोग था। आज मैं उन्हें भी याद करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनके बगैर मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन के मेरे सभी साथी, और मैं अपने छोटे बच्चों का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। अपने छोटे बच्चों का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि राज्य पुरस्कार में उन बच्चों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखें आप कि राज्य पुरस्कार को प्राप्त करने में मेरे दोनों बच्चे विमानत्री और रेहानत्री का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि उन बच्चों ने मुझे 8 नंबर दिलाए हैं इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं जहां एक एक नंबर का कंपटीशन हो तो उन दोनों बच्चों ने भी मेरा बड़ा सहयोग दिया, और मैं उनको भी साथ लेकर गया था तो उनको भी शायद आभास होगा कि भाई नहीं, ये हमारे पिताजी का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी बात ये, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि भाई अपने बच्चों की तारीफ कर रहा है, मेरे परिवार के, मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई के बच्चे सूर्यलत्री तो आपको पता यही पड़ता है, तो उन सभी का भी जो है मेरे लिए बहुत प्यार और बहुत हमेशा से ही सहयोग रहा। मेरे आसपास के रिश्तेदारों के, सराहा के एनवायरमेंट का, हर व्यक्ति ये चाहता था कि
मुझे जो है ये अवार्ड मिले, परंतु मैं ये आपको इस मंच से भी कहना चाहूंगा कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, मेरे पूरे श्रावासियों का है, मेरे क्षेत्रवासियों का है, सिरमौर वासियों का है, क्योंकि एकेडमिक में जो है वो प्राइज लेना वाकई में इस समय जो है थोड़ा टिपिकल काम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और काफी स्क्रूटनी होने के बाद ये एक चैनल के बाद जो है वो ऊपर तक जाता है, जिसमें काफी एक प्रोसेस है। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा अपने अध्यापक साथियों से, क्योंकि मेरे अध्यापक साथी बहुत कर्मठ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं ये सभी अध्यापक साथी, तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी इसके लिए प्रयास करें। हमारे क्योंकि अभी तक हमारे विद्यालय में 3 जो है वो अवार्ड पहले मिल चुके हैं, तीसरा मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि मैं भी उसमें शामिल हूं, और मैं सभी के लिए यही कहूंगा कि आप सभी जो है इस अवार्ड के लिए जो है वो प्रयास करें, कोशिश करें, सभी को मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सी है अभी कंपटीशन थोड़ा है, क्योंकि इस बार तो वहां पर शिक्षा मंत्री जी ने भी और खुद आदरणीय राकेश कंवर जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से व्याख्यान कर दिया था, स्टेज मंच से व्याख्यान कर दिया था कि आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह आदेश कर दिया था कि राकेश कंवर जी आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लें, और डिसीजन उनका जो डिसीजन हुआ एकेडमी जो बनी, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जो कमेटी उन्होंने बनाई, समिति का जो गठन किया, उनको इंडिपेंडेंट रूप से छोड़ दिया गया कि किसी प्रकार की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इवन देन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि आज से पहले जो है पहले ही जो शिक्षा मंत्री हुए हैं वे अपने विधानसभा क्षेत्र से लगभग 5 व्यक्तियों के नाम या 6 व्यक्तियों के नाम पहले से ही डिसाइड कर देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इस बार एक से बढ़कर एक लोग जिनको इस बार स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन को हम देखें या उनकी पृष्ठभूमि को हम देखें तो लगता है कि ना ये सभी लोग जो है, क्योंकि वहां पर जब हम सम्मान लेने के लिए जाते हैं तो 4 एक लाइनें ही हमारे बारे में बोली जाती हैं, तो उस समय भी जो है लगता है कि नहीं ये सभी लोग जो है इसके पात्र उम्मीदवार थे। और एकेडमिक में तो आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड जो है वो लगभग 15 लोगों को मिलना था, परंतु कुछ लोग तो जो है वो वहां तक भी नहीं, मतलब सरकार ने वो 15 के 15 देना उचित नहीं समझा, बल्कि उसमें से भी जो है 2 लोगों को जो है उसकी छटनी कर दिया था, 13 ही लोगों को दिया। इसी प्रकार से ट्राइबल में भी जो है वो ज्यादा लोगों को मिलना था, परंतु सभी लोगों को ना देते हुए उसमें भी जो है 3 व्यक्तियों को कम कर दिया। तो इस प्रकार से अर्थात सिंपल सी बात यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को पूरा करता था उसी को जो है ये इनाम दिए गए। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि मौसम को भी मद्देनजर रखते हुए और आप सभी का जो है रिसेस का टाइम है, आप सभी को भूख भी लगी होगी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि मेरी प्रधानाचार्य महोदय मुझे आदेश दे तो मैं कल सभी बच्चों के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए विद्यालय परिवार में अपनी ओर से लंच की व्यवस्था करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी, क्योंकि प्रधानाचार्य महोदय जी ने मुझे आदेश दे दिया है। अब हमारे जो मैथ्स के सभी साथी हैं, जितने भी हमारे विद्यालय परिवार के साथी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो मेनू आप डिसाइड करेंगे, जो मेनू मुझसे नहीं पूछना है, जो मेनू आप डिसाइड करेंगे वो मेनू मुझे पसंद है, यानी कि सभी को मंजूर है, और सभी बच्चों के लिए और सभी अध्यापक साथियों के लिए 2-4 जो 10-12 मेहमान यदि हमारे आसपास के प्राइमरी स्कूल के बीआरसी के या 2-4, 10-20 मेहमान हो रहा है, तो उनका भी मैडम से आग्रह करूंगा कि उनका भी हम विद्यालय परिवार में बुलाना चाहेंगे। तो मैडम ने मेरी इस आग्रह को स्वीकार किया। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो मेरा प्राइज है वो केवल मात्र मेरा प्राइज नहीं है, ये मेरे पूरे विद्यालय परिवार का जो राज्य शिक्षक पुरस्कार मुझे मिला है, मेरे पूरे विद्यालय परिवार का है। खासकर क्योंकि हो सकता है कि वो जो बच्चे जो मेरिट में है, यदि मैं उनका नाम इस मंच से ना लूं तो हो सकता है उन बच्चों को भी थोड़ा बुरा लगे, तो अंत में उन बच्चों का भी मैं नाम लेना चाहूंगा जो मेरिट्स में आए, जिन्होंने इस अवार्ड को दिलाने में मेरी बड़ी सहायता की, जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 2010 में
पुरुषी जो इस समय हिमाचल में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, उस बच्ची ने प्लस वन की कक्षा में सबसे पहले हिमाचल बोर्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जब उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों ने मुझे आलोचना मेरी स्टार्ट कर दी और आलोचनाओं से सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये बताना चाहता हूं, आलोचनाएं उसकी होती है कि जो कुछ करता है जीवन में। मेरी आलोचना हुई 2010 में कि ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट थी और इसका तीसरी पोजीशन आनी ही थी। तो मुझे फिर एक बार मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ, एक ऐसी लड़की जो अपने विद्यालय में भी किसी पोजीशन में नहीं थी, सरकारी विद्यालय की छात्रा थी, उस विद्यार्थी को भी मैंने साथ किया और पूर्वशी को भी साथ में तैयार किया, क्योंकि उस समय प्लस वन का भी बोर्ड था और प्लस टू का भी बोर्ड था। तो जैसे ही वो लड़की, मैंने उसको ये बोला कि बेटा ये जो तीसरी पोजीशन है ये हिमाचल में कहीं काउंट नहीं होती है, इसको कोई मान्यता नहीं है। पुरुषी मेरी इज्जत रखकर अगले साल तुम्हें पहली पोजीशन लेनी है। तो अगले साल 2011 में पुरुषी ने पूरे हिमाचल प्रदेश बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया और वो लड़की जो दूसरी मैंने कवरिंग तैयार की थी, उस लड़की ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 9वां स्थान प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, फिर भी मैं यहां रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अब थोड़ा उन लोगों की आलोचना जो मेरे आलोचक थे थोड़े बोलना जिन्होंने किया था कि ये बच्चा जो किसी भी अपने विद्यालय में भी किसी पोजीशन पर नहीं था, यदि वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड में आता है तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति में थोड़े तो जान है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्लस 2012 में ही तीसरे साल, यानी कि तीसरा साल जब आया 2012 में, तो मैंने फिर उस लड़की को तैयार किया और उस लड़की ने छठी पोजीशन से पूरे हिमाचल प्रदेश बोर्ड में, निधि शर्मा ने पूरे हिमाचल प्रदेश बोर्ड में प्लस टू क्लास के अंदर छठा स्थान प्राप्त किया। अब थोड़ा शॉर्टकट में चलूंगा, अभी बारिश का मौसम हो गया है, बारिश थोड़ी थोड़ी लग चुकी है। उसके बाद आप सभी जानते हैं 2014 में अक्षित मित्तल ने 11वां स्थान प्राप्त किया। उसके बाद अगर सेजल अरोड़ा, निकिता शर्मा और पिछले साल वृंदा ठाकुर ने जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड में जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया। अब ज्यादा ना कहता हुआ यही कहूंगा कि शान से खिल उठा है आज विद्यालय परिवार का हर एक चेहरा, क्योंकि सिर पर बंधा है आप सभी की जीत का सेहरा। जय हिंद, जय भारत।